हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कटहल की सब्ज़ी। बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही इजी रेसिपी भी है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये कटहल ले लिए हैं। ये इसी तरह से कट किए हुए मुझे मार्केट से मिले हैं। इसको मैंने अच्छे से नमक से वॉश कर लिया है। तो आप भी ध्यान रखें, नमक से बहुत अच्छे से वॉश कर लें इसे। अब जैसे ही आप इसे वॉश कर लेंगे, हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर तेल बहुत अच्छे से गर्म कर लिया। अब सारे पीसेस मैं फ्राई कर रही हूँ। इनको तब तक फ्राई करना है जब तक ये थोड़े गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। अब जब तक हमारे कटहल फ्राई हो रहे हैं, आइए मसाला रेडी कर लेते हैं। मसाले के लिए मैंने कुकर लिया है। कुकर में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये खड़े मसाले। खड़े मसालों में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे दालचीनी, एक तेज़पत्ता है, एक लौंग है, दो छोटी इलायची हैं और एक बड़ी इलायची है। इन सबको हम डालेंगे इसमें। अब इन मसालों को हम थोड़ा सा पका लेंगे जिससे कि इसका फ्लेवर अच्छे से ऑयल में आ जाएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन। ये मैंने बारीक चॉप कर लिया था। चॉप किए हुए अदरक लहसुन से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो आप अच्छे से उन्हें चॉप कर लें फिर डालें इसमें। अच्छे से इसको आप पका लें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप किए हुए प्याज। प्याज को हमें तब तक पकाना है जब तक वो हल्के ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते। इसको आप धीमी आंच पर ट्रांसलूसेंट होने तक पकाते रहें। देखिए, हमारे कटहल भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं जैसे हमें चाहिए थे। अब इसको निकाल के आप साइड पे रख लें। देखिए, थोड़ी देर हो चुकी है और हमारे प्याज भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं, बिल्कुल ट्रांसलूसेंट हो गए हैं जैसे हमें चाहिए थे। अब इसमें हम मसाले ऐड करते हैं। मसालों में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिल्ली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ किचन किंग पाउडर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर। इन सबको डाल के आप अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च। अगर आप स्पाइसी नहीं चाहते हैं तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर। ये नॉर्मल टमाटर हैं जिनको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। इसको हम धीमी आंच पे पकाएंगे। तब तक इसको पकाना है जब तक हमारा टमाटर तेल ना छोड़ दे और टमाटर अच्छे से पक ना जाए। इसको तब तक आप पकाते रहें। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो आप ये ज़रूर डालें। इसको डाल के भी आप अच्छे से मिक्स कर लें। एंड ध्यान रखिएगा, तड़के को आपको धीमी आँच पर पकाना है। उससे क्या होगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा तड़के का। देखिए, थोड़ी देर हो चुकी है एंड इस टाइम पे तड़का बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। टमाटर भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं। आइए अब इसमें कटहल डालते हैं जो हमने फ्राई किए थे। कटहल को डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लें एंड इसको 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पे अच्छे से पका लें। इससे क्या होगा, जो सारा मसाला है वो कटहल के अंदर बहुत अच्छे से चला जाएगा, तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी पानी। इसको डाल के भी आप अच्छे से मिक्स कर लें। अब जैसे ही आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कुकर को बंद करेंगे हम और एक विसल के लिए इसको पकाएंगे। सिर्फ एक विसल ही लानी है इसमें, ज़्यादा नहीं।
उतने में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसका। देखिए हमारा कटहल बहुत अच्छे से पक चुका है, बहुत अच्छा टेस्ट भी है, बहुत अच्छा कलर भी है। मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाला है, तो आप वो ज़रूर डालें, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।